सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जहाँ पर क्यों नहीं आ रहा, मैं बात नहीं समझ रहा, बार बार परेशानी, कोई ना कोई रीजन तो है, जहाँ तो हमें एजिटेशन करना पड़ेगा। मैं सूर्य सिंह चारक, डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर, बाढ़ एरिया वेलफेयर सेल। आज हम सरपंच साहब के थ्रू यहाँ तहसीलदार आरसपुरा को मिले और यहाँ पे हमारे स्टेट के यूटी के कन्वीनर श्री ब्रजेश्वर सिंह राणा जी के रूबरू तहसीलदार साहब को, लंबड़दार साहब चरण सिंह जी भी हमारे साथ आए हुए हैं। उसमें आज ये बात हुई कि जो रिलीफ पीछे जो जलजला मतलब कि बारिश ओलावृष्टि हुई, उससे क्या हुआ कि लोगों को पैसे नहीं मिले, तो जो पहले भी हमें नहीं मिले, उससे पहले भी हमें नहीं मिले। आज ये लोग हैरान की हो गए कि हम है कहाँ के, हम यहाँ के हैं कहीं बाहर के हैं, हमें पता चलना चाहिए कि हम इसी स्टेट के हैं या कहीं बाहर के हैं। और ये दुखी हो गए जो लोग आए, और जहाँ पर ब्रजेश सिंह राणा और सरपंच साहब और लंबड़दार साहब ने तहसीलदार साहब से पूरी बात करी, डिटेल में की, उन्होंने कहा कि 31 तक हमें मौका दीजिए, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हाई अथॉरिटी को कहीं भी अप्रोच कर सकते हैं। बेदी एश्योरेंस हम यही आज करें कि हम राणा साहब का, सरपंच साहब का, लंबड़दार साहब का, नायब सरपंच, जितने लोग जहाँ पर आए हुए हैं, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपना टाइम भी तोड़ा और इनकी तकलीफ थी, तो इसलिए जो लोग आए, नहीं तो कहाँ किसी के पास। हमारा जो पंचायत कल्याणा है, उसके सैकड़ों लोग आपने देखे हैं यहाँ पे आज डेपुटेशन वो तहसील आरसपुरा में आए थे, और उनका दुख जो है वो दर्द जो छलका है, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि 2017 में भी इनका जो फसल ख़राब हुई उसका मुआवजा इनको आज तक नहीं मिला, और जो पिछले साल इस जो फसल थी वो भी ओलावृष्टि से लगभग 100% इनकी जो फसल ख़राब हुई है, और डीसी साहब खुद दौरा करके वहाँ देख के गए थे और उन्होंने कहा था कि हफ्ते के अंदर अंदर आपको मुआवजा मिलेगा, लेकिन अभी कई महीने बीतने के बाद भी इनको कोई मुआवजा नहीं मिला। और सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य यही है कि पूरी आरसपुरा तहसील में एकमात्र पंचायत जो गाँव कल्याणा है उसका मुआवजा रह गया है, बाकी सबको मिल गया। वो क्यों रह गया, वही कल्याणवासियों के मन में एक संशय था कि हमें ही क्यों छोड़ा जाता है, 17 में भी हमें छोड़ दिया और 20 में भी हमें छोड़ दिया। तो आज ये एक बड़े स्तर का आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन हमने बीच में पढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है, तहसीलदार साहब ने एश्योरेंस दी है कि 31 मार्च तक आपको मुआवजा मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर गांव पंचायत जो है, इन्होंने भी कहा है कि हम बड़े स्तर का आंदोलन करेंगे, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का अपना कसूर होगा कि वो इस आंदोलन को अगर हावी करती है। तो दूसरा मैं यही कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा, तहसीलदार साहब हो, SDM साहब हों, DC साहब हों, या ऊपर LG साहब हों, इन लोगों की सुध ली जाए, क्योंकि ये एक तो किसान है, दूसरे बॉर्डर। तहसीलदार साहब ने बोला कि हम 31 मार्च तक आओ, आप हमें टाइम दे दो 31 मार्च तक, उसके बाद हम अगर नहीं दे तो आप कहीं भी जाके पेश हो सकते हैं या कुछ भी कर सकते, एजिटेशन वगैरह भी कर सकते हो, तो 31 तारीख तक हमारा मुआवजा जो मिल जाएगा, क्योंकि हमें 2017 में भी मिला हुआ, उसकी वजह से ये सारी पब्लिक परेशान है। क्या फॉल्ट निकल रहा है कि जिसकी वजह से ये, तो फंड की प्रॉब्लम बता रहे हैं कि हमारे पास फंडिंग की प्रॉब्लम है।